हेलो फार्मर्स, मैं आज आपको निप्पल्स कैसा लगाना है अपने फार्म में, निप्पल कैसा फिट करना है और कंपनी का फिट करेंगे तो आपको कितना खर्चा आएगा, हम वोन फिट करने से आपको कितना खर्चा आता है सभी डिटेल से बताता हूँ। सभी डिटेल से बताने से पहले हमारे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फार्मर्स को शेयर कर दीजिए। चलो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। ये पहले टैंक से बताऊँगा मैं, ये 2000 लीटर का टैंक है, ये 12000 रुपये पड़ेगा आपको पर लीटर। 6 रुपये के हिसाब से आपको 12000 में 2000 लीटर का टैंक मिल जाएगा आपको। ये देखिए, ये दो टब्स क्यों बिठाया गया है कि ये आपको वाटर प्रेशर आता है कंपनी का, ये आपको डायरेक्ट वाटर कंट्रोल करता है। ये देखिए, अगर ये पानी ख़त्म होने से ये डायरेक्ट टैंकी से आपको पानी ये टब में आकर उतरेगा। ये देखिए, इसी तरह उतरेगा। अगर पानी का प्रेशर फुल हो गया ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इसी तरह कंट्रोल करेगा वाटर को। ये दो टब आपको वाटर प्रेशर का कंट्रोल करेगा, ये दो टब। ये देखिए, ये आउटलाइन है, ये ही पानी इसी तरह आपको अपने निप्पल्स में जाएगा पानी। ये इसी तरह ये पानी डायरेक्ट टैंकी से टब में आके टब में से पानी बाहर जाएगा। ये देखिए, इसी तरह बनाना है। ये आप ये देखिए, ये इस तरह का पाइप डालना है। ये देखिए, यहाँ से हमारा पाइपलाइन शुरू होगा। ये देखिए, ये इसी तरह आप इसको अटैच करना है उसके पाइप से। अगर बड़ कुंदलने से भी कुछ भी नहीं होगा पाइप पे, ये इसी तरह पाइप ये आके आपको कहीं तरह के निप्पल्स मिल जाएंगे। ये पर निप्पल 20 रुपीस वाले लाके फिट करे हैं हमें। ये देखिए, आपको कहीं तरह के निप्पल मिल जाएंगे और सस्ते भी मिल जाएंगे और महंगे भी मिल जाएंगे, आप अपने मार्केट के हिसाब से देखकर ख़रीदना। ये देखिए, ये हमारा खुद का आइडिया है ये एंगलर बिठाना। ये देखिए, ऊपर क्यों एंगलर बिठाया गया है मैं आपको बोलता हूँ। ये देखिए, अगर कंपनी का एंगलर बिठाया गया तो बहुत खर्चा आएगा आपको। ये एंगलर बिठाने से आपको खर्चा कम होगा। ये देखिए, ये इस एंगलर को इस तरह का एक वाचर सॉल्डरिंग करना है। ये देखिए, सॉल्डरिंग करके इसे डायरेक्ट अटैच करना है। चलो मैं आपको बताता हूँ दूर से। ये देखिए, ये एडजस्टर है और चिक्स छोटे रहेंगे तो आप नीचे उतार सकते हैं, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, आपको मालूम होगा ये एडजस्टर के बारे में। ये देखिए, इसी तरह ऊपर के पाइप से इसे सारे यूं ही अटैच करना है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए नज़दीक से। चलो मैं आपको कास्टिंग के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये प्लास्टिक का पाइप आपको 20 कदम का मिलेगा और ये निप्पल्स एक पाइप आके आपको 200 रुपये पड़ेगा 20 कदम का पाइप। आप हमारे ये 3000 बर्ड्स का फार्म है, आप 20 कदम का लेना चाहिए, पूरा टोटल 40 पीस डालना पड़ता है 3000 फार्म के लिए। और निप्पल्स, एक निप्पल आके ये 20 रुपीस है, हम में 400 निप्पल्स लगा के है पूरे फार्म में। और टू टब्स, वो दो टब है ना, वो दो टब आपको 1500 में मिल जाएंगे दो टब। अगर आपको वाटर
का प्रेशर लेना है तो 2000 के ऊपर है, ये आपको 750 में मिल जाएगा। एक टब दो टब आके 1500 रुपये है। और कनेक्टर आपको बताता हूँ, कनेक्टर ये देखिए, ये कनेक्टर है, ये इधर के पाइप टू पाइप कनेक्टर है, ये आपको आके कनेक्टर आके पूरे टोटल 40 पीस 480 रुपये पड़ेगा। और ये देखिए, ये आप इसी तरह पाइप चढ़ाने के लिए इसका कनेक्टर भी होना ज़रूरी है, वो कनेक्टर भी लेना है। और ये आयरन पाइप आके आपको 10 कदम का मिलेगा, ये कदम आके ये मेरे शायद 60 रुपये से लिया है, अभी मार्केट के हिसाब से या महंगा है या सस्ता है आपके मार्केट के हिसाब से मालूम होगा। ये लेंथ आके ये 4 किलो का है, लाइट वेट लेना है क्योंकि इस पर वजन नहीं पड़ना है, चूँकि सपोर्ट के लिए रहना है, पाइप बेंड नहीं होने के लिए ये पाइप को डालना है ये एंगलर को। आप एक लेंथ 4 किलो का आता है उसी का लेना है, लाइट वेट लेना है। सभी टोटल्स आपको 40,000 पूरे, आपको टोटल 40,000 में पूरा टोटल 3,000 बड़का फार्म के टैंकी के साथ बढ़ जाएगा। आपको टोटल बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा निप्पल्स एंगलर्स कनेक्टर्स पाइप और टब और टैंक सभी आपको 40,000 या 40 × 2,000 में आपको सभी मिल जाएंगे। और आप इसी 3,000 शेड के लिए अगर आपको कंपनी वाले एस्टिमेट डालेंगे तो 75,000 से 80,000 तक खर्चा आता है उनका। आप 75-80,000 रखने से इसी तरह आप कर ले भी सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आपको अगर बिठाना है हम आपको हेल्प करेंगे, हमें कमेंट रूप में बताइए, जो भी हेल्प है हम आपको करेंगे। इसी तरह पाइपलाइन कर लेना है निप्पल्स, इससे करने से आपको पानी भी वेस्ट नहीं होता है और बर्ड्स को भी ताज़ा पानी मिलता है। ताज़ा पानी मिलने से बर्ड्स ग्रोथ भी अच्छा करता है। अगर आप ड्रिंकर रखेंगे तो ड्रिंकर्स सुबह शाम भी दोना है, उससे बर्ड्स को अच्छा पानी ताज़ा पानी भी नहीं मिल सकेगा। अभी तक हमारी ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फार्मर्स भाइयों को शेयर भी कर दीजिए।